कि इतने सारे लड़कों में एक इकलौती लड़की क्रिकेट खेल रही है, तो मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है एंड आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो क्रिकेट फैन होंगे। दिस इज द लोकेशन जहाँ हम आए हैं आज, NSG इंडोर क्रिकेट। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल माइंड बिनाली एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम बैक विद येट अनदर व्लॉग और ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ और शायद मुझे लगता है आपको मेरे सारे व्लॉग इंटरेस्टिंग लगते होंगे क्योंकि आजकल बहुत अच्छी एंगेजमेंट आ रही है एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। यही बात है, अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो लोग देखेंगे, वरना किसी को क्या पड़ी है, सब अपनी लाइफ में बिजी है। सो गाइज, मैं प्रोफेशनली वॉलीबॉल खेलती हूँ बट मुझे क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद है। तो मैं आज जा रही हूँ एक फैसिलिटी में क्रिकेट खेलने के लिए और वो आप देखोगे कि मैं कैसा खेलती हूँ कैसा नहीं खेलती। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और उसके बाद मैं बाकी सारी बातें आपसे करूँगी कार में। मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी कि मैं क्यों जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, मैंने बनाया ब्रेड ऑमलेट और उसके साथ में हम पियेंगे चाय, क्योंकि उसके बिना हमारी नींद नहीं खुलती है। हमारा ब्रेड ऑमलेट और ये थी हमारी चाय, सो लेट्स फिनिश इट। गाइस, मैं ब्रेड ऑमलेट को भी रोटी सब्जी की तरह खाती हूँ सॉस लगा के। फिट रहने के लिए इतना प्रोटीन तो बॉडी में जाना चाहिए, वरना बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती कुछ भी करने की। तो इसमें वेजीज भी हैं, प्याज है, टमाटे हैं, मिर्ची है और बहुत टेस्टी है। और बहुत ही मिनिमल सा नमक मिर्च डाला है मैंने, क्योंकि हमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, मसालेदार नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रोटीन इंटेक के लिए चाहिए। गाइस, मैं हो चुकी हूँ फुल रेडी खेलने जाने के लिए। तो जैकेट तो मैंने ऐसे ही पहनी क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड हो रही है। बाकी ये रहा हमारा लुक, और जैसे कि हम जिम करते हैं वैसे ही हम किसी फैसिलिटी में जाके अगर खेलते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं, अब गली क्रिकेट तो खेलूंगी नहीं जाके किसी पार्क में। बाकी की बातें मैं आपको बताती हूँ कार में। सो गाइस, जो चीज़ें मैं आपको कार में बताने वाली थी वो ये है कि फिट रहने के लिए मैं सिर्फ जिम नहीं करती हूँ, और भी मुझे चीज़ें करना पसंद है। जैसे कि वॉलीबॉल तो मैं खेल लेती हूँ कई बार सोसाइटी में, और मैं क्रिकेट भी खेल लेती हूँ। और वो मैं क्रिकेट कहाँ खेलती हूँ ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैं नॉर्मल गली में तो जाके खेल नहीं सकती यार किसी के साथ, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, अब अच्छा नहीं लगता उनके साथ खेलना। और वैसे भी लड़की खेलती है तो उसको थोड़ा अलग ही उससे देखते नजर से। मेरे को तो बचपन से ही इस चीज से नोटिस किया गया है कि इतने सारे लड़कों में एक इकलौती लड़की क्रिकेट खेल रही है, तो मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है एंड आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो क्रिकेट फैन होंगे। तो उसके लिए आप, अब नॉर्मल क्या होता है कि भाई किसी फील्ड में कोई टीम खेल रही हो तो वहां चले जाओ, अदरवाइज आजकल बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। मतलब जहाँ पे आपको क्या चाहिए कि बस एक बॉलर मिल जाए हमें, यार हम खेल लेंगे, क्योंकि मोस्टली लोगों को बैटिंग करना पसंद होता है, तो बस एक बॉलर मिल जाए और फिर हम खेल लेंगे, और फिर वो अगर बॉलिंग मशीन हो तो फिर और सोने पे सुहागा। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ एक फैसिलिटी में खेलने के लिए, तो मैं अब आपको सीधा वहीं चल के दिखाऊंगी कि वो क्या है और उसमें क्या होता है। कि गाइस, बिच्छू बिच्छू कितनी बढ़िया सूट के मैं, बिच्छू बिच्छू कितनी लड़ियो, जिच्छा तू काला मैंगो, जिच्छा तू काला मैंगोरी घनी। मैं तो ये बोल भी नहीं सकती, मेरे जीजू बहुत फेयर है ऑलरेडी। सो गाइज, वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, और काफ़ी देर लग गई मुझे क्योंकि गूगल जो है मुझे ट्रैफिक वाले रास्तों से लेके आया, बिल्कुल भी उसने मेरे बारे में सोचा नहीं कि थोड़ा सा मतलब अच्छे रास्ते से लेके आऊँ बहुत ही ज़्यादा, और फिर ऊपर से इन 200 meters टर्न लेफ्ट। इतना गुस्सा आ रहा था ना यार कि ढंग से तो बोल ले यार, कि एटलीस्ट जगह तो ढंग की दिखा दे। लोकेशन मुझे कितनी ही याद हो बट मैं हर बार रास्ता थोड़ा बहुत भूली जाती हूँ यार, द्वारका ना थोड़ा भूल भुलैया सा है, तो ना हो ही जाता है ये। आप चाहे कितना ही आप रास्ते याद रखो द्वारका के, बट समहाउ यू फॉरगेट द लोकेशन। इसीलिए मैं अब पहुँच चुकी हूँ ऑलमोस्ट, और भाई अभी ठोक देता वो, उसका तो कुछ नहीं जाता, बट सब बोलते हैं कि लड़की है, लड़की गलत ड्राइव कर रही थी, चाहे गलती किसी की भी हो। ठीक है, बच गए, हमने ध्यान दे दिया। गाइस, लेट्स मूव आउट ऑफ द कार, प्ले क्रिकेट। देखो ये अंकल इतना अच्छा है, बोला अंकल मुझे पार्क करनी है तो थोड़ा सा पीछे कर लो, और उन्होंने पीछे कर लिया। अब मेरा मन कर रहा है एक बलून खरीदने का, फिर सोचेंगे छोटी बच्ची है क्या ये, खरीद लूँ क्या, चलो कोई नहीं बाद में खरीदेंगे।
ये तो अभी से इतनी गर्मी लगने लगी है मुझे, अभी तो सिर्फ मार्च है। आई एम ट्राइंग टू स्टे हाइड्रेटेड क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है। बिल्कुल सही जगह कार पार्क करी है, ये देखो स्ट्रेट पार्किंग। कार को हम कर देते हैं लॉक, चेक, बंद। दिस इज द लोकेशन जहाँ हम आए हैं आज, NSG इंडोर क्रिकेट सेक्टर 1 द्वारका वेलकम कर रही है हमारा। सो चल के देखते हैं फटाफट से अभी कितनी भीड़ है क्या है। ये देखो एंट्रेंस ही इतनी खुश अच्छी है। ओ ये तो मेरे शूज से मैच हो रहा है। आज मैं आई हूँ एक फैसिलिटी में जो कि है सेक्टर 8 द्वारका में, जिसका नाम है NSG और NSG बैठे हैं यहाँ पे। सो ये है फैसिलिटी इनकी और ये ओनर है यहाँ के। और देखो कितना प्यारा डेकोरेट कर रखा है, इससे आप देख सकते हो कितनी सारी अचीवमेंट्स हैं। अचीवमेंट देख सकते हो आप कितनी सारी, इनकी खुद की टीम भी है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्ले ऑफ भी होता है। और 60 बॉल्स का देखो कितनी अच्छी मशीन है, सब कुछ अवेलेबल है, बहुत ही प्यारी फैसिलिटी बनाई है आपने। और ये बोर्ड से पता लग रहा है कि कितनी अचीवमेंट होगी, तो आप खुद को इंट्रोड्यूस कर दो। मैंने तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे दिया, बट आप खुद इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। सो हाय गाइस, मैं NSG इंडोर क्रिकेट का प्रोप्राइटर हूँ एंड माय नेम इज़ निर्भय। और मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेल चुका हूँ और अब हमने एक NSG इंडोर क्रिकेट नाम से सेक्टर 8 द्वारका में DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पीछे एक इंडोर क्रिकेट फैसिलिटी खोली है, जिसमें आपको एक एस्ट्रो टर्फ मिलेगा, बॉलिंग मशीन मिलेगी एक वर्ल्ड क्लास, और काफ़ी अच्छा वेल लिट एनवायरनमेंट मिलेगा फॉर प्रैक्टिस फॉर अमेचर्स, प्रोफेशनल्स, IPL प्लेयर्स, सब रणजी प्लेयर्स यहाँ पे आके खेलते हैं। और 7-8 महीने से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है और ये चल रहा है द्वारका में। और सेप्टेम्बर से हमने टीम भी एक हमारे यहाँ के प्लेयर्स की चलाई है और वो हम सारे दिल्ली NCR गुड़गांव में मैचेस खेलते हैं। कोई हमारे पास अब 50-60 प्लेयर्स की एक टीम बन चुकी है, तो जो भी दिल्ली NCR गुड़गांव द्वारका जो भी लोग एंथुजियास्टिक है क्रिकेट के लिए, किसी भी लेवल का क्रिकेट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट क्रिकेट हो, चाहे वो अपना एक प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं BCCI या DDCA वगैरह के लिए, तो सबके लिए हमने एक ये फैसिलिटी खोली है और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। आप लोग आइए और एंजॉय कीजिए। एंड जैसे कि हमारा एक टैगलाइन है, एक्सपीरियंस क्रिकेट लाइक नेवर बिफोर। सो रियली ये एक्सपीरियंस है, आपको एक ऐसा मिलेगा जो आपको कहीं किसी इंडोर फैसिलिटी में ऐसा मेरे हिसाब से जो मैंने सुना है कि लोगों को नहीं मिल रहा, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। और मैंने तो द्वारका में देखी भी नहीं है कोई फैसिलिटी। एक्चुअली मैंने यही देखी और मेरा मन करता है क्रिकेट खेलने का, तो मैं यहीं आ जाती हूँ। और वैसे भी प्रोफेशनली मैं वॉलीबॉल खेलती हूँ, बट क्रिकेट का भी कीड़ा बचपन से ही है। ऐसा तो कोई इंडियन नहीं होगा जिसके अंदर क्रिकेट का कीड़ा नहीं होता। देखो पता लग रहा है यहाँ पे आपको कितने अच्छे, मतलब बहुत अच्छी जगह है, आप विजिट कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू। और अभी हम क्या करके, अभी मैं खेल के दिखाऊँ, थोड़ा सा अपना खुद का टेस्ट ले लूं मैं कि मुझे आता भी है खेलना है। नहीं मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ कि हाँ मैं खेल सकती हूँ क्रिकेट, ठीक है। तो अब मैं पैडअप होके, या पैडअप होने की जरूरत है या नहीं है कि हम प्रोफेशनली खेलें या फिर नॉर्मली ऐसे? अगर की बॉल से खेलोगे तो आप पैडअप ना करो, बट जो हमारी जो मशीन की बॉल है जिससे हम एक थोड़ा सा हैवी बॉल होती है, हाँ जी, नॉर्मल एक कॉस्को की बॉल से, तो उससे हम रेकमेंड करते हैं दैट आप लोग पैड अप करो। ओके, तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो अगर आना सोच रहे हैं, या कोई बड़ा देख रहा है वीडियो जो अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आना चाहता है, जिनका क्रिकेट खेलने का मन करता है बट उन्हें कोई बॉलर नहीं मिल रहा, तो वो यहाँ पे आ सकता है क्योंकि मशीन ऑलरेडी आपको बॉलिंग करवा देगी। तो वो कॉस्को की बॉल से विदाउट पैडअप होके भी खेल सकते हैं। तो मैं विदाउट पैडअप ही खेल लेती हूँ, ज़्यादा मैं मगजमारी करना नहीं चाह रही। मुझे बस अपनी स्किल्स दिखानी है कि हाँ मुझे खेलना आता है। सो गाइस, ये रहा जो दिख रहा हो, पर ये तो छोटा है, छोटा वाला उठा ले तेरे पास सबसे लास्ट में। हाँ ये वाला अच्छा है, ये अच्छा भी लग रहा है, सुंदर भी लग रहा है। हाँ एनर्जी दिखना चाहिए भाई, ये देखो खुद की ब्रांडिंग भी है इनकी। और आपको बहुत अच्छे अच्छे बैट्स ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे पैडअप होने के लिए, आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज भी होंगी यहाँ पे। बॉल्स देखो, ये बच्चों वाली है जो मैं खेलने वाली हूँ, जिनसे बच्चों वाली बॉल से मैं खेलने वाली हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बनना, बट मैं थोड़ा सा अपने शौक के तौर पे खेलने आती हूँ बस इसीलिए। सो अब खेलते फटाफट से, आपको दिखेंगी अब मेरी खेलने वाली क्लिप्स।
Wake up to reality. Fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working night. थोड़ी सी और बॉल खेलते हैं क्योंकि मुझे थोड़ी थकावट होने लगी है. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at. अब खेल के दिखाएंगे भैया द मैन हिमसेल्फ जो यहाँ के ओनर है. थोड़ा बहुत उन वो तो है ही, ऑब्वियसली प्रोफेशनल प्लेयर है तो उनका तो हम टेस्ट नहीं ले सकते. मेरा तो टेस्ट था बट स्टिल आपको एक देखने को मिलेगा कि वो अगर यहाँ बैठे हैं तो किसी रीजन से, तो इसलिए अब हम उनको देखते खेलते हुए. खेल लिया बहुत ज्यादा और मैं थक गई हूँ, और बिना पैडअप हुए खेल लिया तब भी मेरे को थकावट हो चुकी है क्योंकि मैं थोड़ा सा ही कुछ खा के आई थी. बट मजा बहुत आया मुझे खेल के, क्योंकि एक्चुअली बॉलर मिल जाता है ना कोई तो फिर बैटिंग करने में मजा आता है. तो इसीलिए क्योंकि गली क्रिकेट में तो मैं खेल सकती, काफी बड़ी हो गई. जब बचपन में खेलती थी तब की बात अलग है, तब तो कहीं भी घुस जाओ, किसी की भी टीम में खेल लो, कुछ भी कर लो. तो बड़े होने के बाद थोड़ा सा थोड़ी सभ्य वाली जगह पे आना पड़ता है इसीलिए. और ये तो हो गई फॉर्मल बातें, तो मैं आपको बता दूं कि मैं फ्री में इसलिए यहाँ पे खेल पाई क्योंकि ये है मेरे कज़न की फैसिलिटी. ये है मेरे कज़न और इन्होंने मुझे खेलने दिया, ये इनकी अच्छाई है. अदरवाइज यहाँ पे बिना मेंबरशिप के खेलने नहीं दिया जाता है. तो अगर आपको भी आना है तो आप मेंबरशिप ज़रूर लेना और यू वॉन्ट रिग्रेट इट, ये मेरी गारंटी है. तो इसीलिए आप यहाँ पे आके ज़रूर एक बार ट्राई करना, और आओगे तो आप मेरा नाम ज़रूर ले लेना रेफरेंस में. मुझे लगता कि कोड कोई नहीं है मेरे पास, अभी कोई डिस्काउंट नहीं होने वाला, बट हाँ ये होगा कि आपको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, तो उस चीज़ की आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर मेरी रिकमेंडेशन से एक या दो लोग भी आते हैं तो उससे पता चलता है कि हाँ कि मैंने कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस किया लोगों को कि हाँ आप हेल्दी होने के लिए खेल सकते हो. अगर आप बहुत बड़े ग्राउंड में जाके नहीं खेलना चाहते तो आप एक छोटी सी जगह पे आके अपनी प्रैक्टिस के लिए खेल सकते हो, जिसको शौक है खेलने का. सो गाइज ये था छोटा सा व्लॉग, और अब हम भैया से बोलते हैं थैंक यू सो मच मेरे को खेलने देने के लिए. तो ये भी सोच रही हूँ कि कहाँ से आ गई उठ के खेलने के लिए, पैसे वैसे दिए नहीं है, आके खेलने लग गई. कोई बात नहीं, मेरा मन था तो मैं आके खेल लिया. मैंने इनसे आके ज़रूर मिलना, ये बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने मुझे खेलने दिया है यहाँ पे. अगर भैया अवेलेबल ना हो तो आप इनसे भी आके मिल सकते हो, इनको भी बता सकते हो खेलने के लिए, क्योंकि ये बॉल उसमें मशीन में डाल के हेल्प करते हैं. तो जो भी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा खेल के, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की सारी चीज़ें हैं, बैट से लेके बॉल से लेके एवरीथिंग. सो आई लव्ड इट, थैंक यू सो मच. बॉलिंग मशीन काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है. हाँ, और काफ़ी ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है खेलने वालों को,
क्योंकि हमने जो टॉप नॉच एक क्वालिटी वाली सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे, तो क्रिकेट एंथुजियास्ट के लिए तो ये बिल्कुल गोल्ड माइन है, मैं ये कहना चाहूंगा। एग्जैक्टली वही मेरा कहने का मतलब था कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग यहाँ आके देखेंगे, एक्चुअली खुद आके पता चलेगा कि कैसा है। वीडियोस में तो एक्चुअली सारी चीजें अच्छी ही लगती है, जो आएगा उसका एक अलग होता है आके महसूस करना। फर्स्ट हैंड आके देखेंगे तो खुद एक्सपीरियंस करेंगे, तब वो रिव्यू देंगे तो एक अलग बात है। मैं जो बोल रही हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। तो चलते हैं अब हम, तो आप मुझे कुछ खिला रहे हो क्या फिर? चलो रिफ्रेशमेंट मिलनी चाहिए ना इतना खेलने के बाद। बिल्कुल कैलोरीज तो जानी चाहिए। हाँ वो तब मिलेगी जब मैं मैच खेलूंगी। है कि लड़की खेल सकती है आपकी टीम में? खेल सकती है। चलो गाइस नेक्स्ट टाइम क्या पता मैं आपको वॉलीबॉल मैच की जगह क्रिकेट मैच में दिखूं एनएसजी की टीम से खेलते हुए, है ना, ओपनिंग करते हुए। ओपनिंग करूंगी ऐसे धांसू एकदम, कोई सोचेगा कि बिल्कुल ही वो कौन है, इंडियन वुमेन क्रिकेटर कौन है? मिताली राज। मिताली राज कंफ्यूज हो जाएंगे लोग बिल्कुल से। गाइस मुझे तो बड़ा मजा आया खेल के, बाकी आपके ऊपर है। इफ यू वांट टू कम यू कैन कम and do let me know if you visit here and like the facilities. Okay, bye bye.